नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल किचन स्वाद का। तो दोस्तों, आज की हमारी जो रेसिपी है वो है सैंडविच। जी हाँ, तवे पर तैयार किए हुए सैंडविच। तो आइए देखते हैं अपनी रेसिपी को। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी सैंडविच की रेसिपी। तो एक बाउल में हम सबसे पहले गाजर लेंगे, जिसको बहुत ही बारीक चॉप किया है, और दो गाजर लिए हमने। एक खीरा, जिसको छील कर बहुत छोटा काट लिया है। दो मीडियम साइज के टमाटर लिए हुए हैं, जिसको भी बारीक काट लिया है। दो मीडियम साइज के प्याज लिए हैं हमने, इसको लंबे स्लाइस में काटा है हमने, बारीक काटना है इसको। और एक बड़ा शिमला मिर्च लिया है, इसको भी बहुत ही बारीक चॉप कर लिया है। अब हम इसमें मेयोनीज डालते हैं, हमने वेज मेयोनीज ली है। सौ ग्राम का मेयोनीज का पैकेट लिया हुआ हमने। अब हम इसमें 50 ग्राम टमाटो केचप मिक्स करेंगे। अब हम इसमें मसाले लेंगे, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला, वन फोर्थ टेबल स्पून अमचूर पाउडर, वन फोर्थ टेबल स्पून ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का पाउडर, वन फोर्थ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर। मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार रख सकते हैं, कम या ज्यादा, जैसा आप पसंद करते हो। हाफ टेबल स्पून चाट मसाला, दो चुटकी काला नमक लेंगे, अब हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। अब हम इसमें 50 ग्राम क्रीम ऐड करेंगे, हमने अमूल का क्रीम लिया है, आप चाहें तो कोई भी क्रीम ले सकते हैं। हमने जो ये मिक्सचर तैयार किया है, ये 4 से 5 लोगों के हिसाब से है। अब हम सारी सामग्री को मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिला लेना है हमें। आप जब इस सैंडविच को बनाकर खाएंगे तो मार्केट का सैंडविच भूल जाएंगे। आपको लगेगा कि हाँ, आज कुछ खाया है हमने। तो हमारे सैंडविच का स्टफ तैयार हो गया है। अब हम इसको किनारे रखेंगे और स्पेशल चटनी जो हमारे सैंडविच की है, अब हम उसे तैयार करेंगे। हम अपने सैंडविच के लिए जो स्पेशल चटनी तैयार करेंगे, उसकी सामग्री कुछ इस प्रकार है। 1/4 टेबल स्पून काला नमक, 1/4 टेबल स्पून चाट मसाला, 1/4 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, 1/4 टेबल स्पून हींग और 1/4 टेबल स्पून अमचूर पाउडर, एक प्याज, दो छोटे टुकड़े अदरक के, दो हरे मिर्च, एक टमाटर और धनिया, और हमारी सबसे मेन जो जरूरी चीज है वो है क्रीम। तो आइए शुरू करते हैं अपनी चटनी। हमने मिक्सर में प्याज को काट लिया है, इसके साथ ही अदरक, टमाटर और हरा मिर्च। अब हम इसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे। आज का हमारा सैंडविच जो है बिल्कुल लाजवाब बनने वाला है।
अब हम इसमें 2 टेबल स्पून क्रीम ऐड कर देंगे। अब हम इसमें धनिया ऐड करके पीस लेंगे। तो लो जी, तैयार है हमारी स्पेशल चटनी। वाह जी वाह, क्या कलर आया है। चटनी में नमक को आप अपने स्वाद अनुसार ही रखिएगा। अगर आपको टेस्ट करके देख लीजिए कम लगता है तो आप अपना नमक ऐड कर सकते हैं। हमने अपने टेस्ट के अनुसार नमक रखा है। हमारी चटनी भी तैयार हो गई। अब हम बनाते हैं अपना सैंडविच। तो चलिए अब हम चलते हैं सैंडविच की तरफ। हमने सैंडविच वाली ब्रेड ली हुई है। अब हम इसके ऊपर चटनी का लेप लगाएंगे, जो चटनी हमने तैयार करी है। चटनी को हम सैंडविच की दोनों ब्रेड पर लगाएंगे। मैंने आपसे बताया था ना कि हमारा सैंडविच जो है वो आज बिना सैंडविच मेकर के तवे पर बनेगा। लोग कहते हैं ना कि हमारे पास सैंडविच मेकर नहीं है तो हम कैसे बनाएंगे, तो अब आज के बाद कोई नहीं कहेगा। अब हम इस पर सैंडविच का मसाला लगाएंगे जो हमने तैयार किया था। हम कोई भी डिश बनाएं, जब हम उसे थोड़ा समय देकर या बड़े प्यार से बनाते हैं ना, तो उसके खाने का जो टेस्ट होता है, उसका जो स्वाद होता है, वो बहुत बहुत ही लजीज होता है। हमने दोनों ब्रेड पर सामग्री को बहुत अच्छे से लगा लिया है। अब इसके ऊपर दूसरी ब्रेड ढक देंगे। और अब हम चलते हैं तवे की तरफ। हमारा तवा गर्म हो गया है। अब हम इस पे रेगुलर ऑयल का यूज करेंगे। बहुत ही थोड़ा सा ऑयल डालना है। अब हम इस पर अपने सैंडविच रखेंगे। हमें गैस की फ्लेम को लो ही रखना है। आप चाहें तो इसको देसी घी या बटर का प्रयोग भी कर सकते हैं। हमने अपने सैंडविच को पलट लिया है, वो एक तरफ से हो गए हैं। हमारा सैंडविच बिल्कुल करारा सिका है। तो दोस्तों, तैयार है हमारा तवे पर तैयार किया गया सैंडविच। कैसा लगा हमारा वीडियो आपको, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, और जो हमारे नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।